बुंदेलखंड के झांसी साम्राज्य के राजा गंगाधर राव नेवालकर एक बुद्धिमान बलवान होने के साथ साथ कला और संस्कृति के प्रेमी भी थे। इनके पास ज्ञान और गुणों का भंडार था। इनसे अंग्रेज भी बेहद प्रभावित थे, इसलिए इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा झांसी महाराजा का पद इन्हें सौंपा गया था। इन्होंने इनकी पत्नी के नाम से भी जाना जाता है। ये झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के पति हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली जीवनी इतिहास में, जहां आज मैं आपको महाराजा गंगाधर राव का जीवन परिचय बताने जा रही हूं। गंगाधर राव नेवालकर उत्तरी भारत में झांसी के महाराजा थे। ये मराठा साम्राज्य के वासल थे। इनके पिता शिवराव भाऊ थे। झांसी से पहले मराठा साम्राज्य के गवर्नर रघुनाथ हरि नेवालकर के वंशज थे। ये रतनगिरी जिले से आए थे और इनमें से कुछ खानदेश चले गए थे। रघुनाथ हरि नेवालकर ने बुंदेलखंड में मराठा राजनीति को मजबूत किया। जब ये बूढ़े हो गए और सत्ता संभालने में असमर्थ हो गए, तब अपने छोटे भाई शिवराव भाऊ को शासन सौंप दिया। जब 1838 में शिवराव भाऊ का निधन हुआ तो झांसी की हालत ठीक नहीं थी। तब ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी का राजा नियुक्त किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का कहना था, जब तक हमें हमारा कर्ज नहीं दिया जाता तब तक हम राजकीय कार्य में शामिल रहेंगे और झांसी का पूरा शासन गंगाधर राव करेंगे। इस प्रकार झांसी में अंग्रेजों को कुछ अधिकार देना पड़ा। महाराजा गंगाधर राव का विवाह 1842 मई को मणिकर्णिका से हुआ, जो कि मरुप्रांत तांबे और भागीरथी की संतान थी। शादी के बाद इनका नाम बदलकर हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी जी के नाम पर लक्ष्मीबाई रखा गया। जब इनका विवाह हुआ तो झांसी की स्थिति बदल गई और कई सकारात्मक परिणाम हुए, इसलिए महाराजा अपनी पत्नी के कदमों को बहुत शुभ मानते थे। उनका कहना था कि रानी के उनके जीवन में आ जाने से उनके शासन में उन्नति और विकास हुआ। वे रानी को बहुत ही भाग्यशाली मानते थे। झांसी की आन बान और शान के लिए राजा और रानी ने खुद को समर्पित कर दिया। इनकी गौरव का गुणगान आज भी झांसी में सुनाया जाता है। गंगाधर राव एक साहसी और ज्ञानी राजा थे। इन्होंने 1843 से 1853 तक झांसी का साम्राज्य संभाला। जब इन्हें झांसी का राजा बनाया गया तब झांसी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तब इन्होंने अपनी कुशल नीति से झांसी की वित्तीय स्थिति में सुधार किया। इनके शासन में झांसी के विकास के लिए कई कदम उठाए गए। इन्होंने 5000 सैनिक की सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। रघुनाथ राव के शासन में राज्य पर बहुत कर्ज हो गया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला लिया कि जब तक उनका कर्ज वापस नहीं मिलेगा तब तक वह यहाँ के शासन में हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन जब गंगाधर राव ने शासन संभाला तब अंग्रेजों का सारा कर्ज चुका दिया और झांसी की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई। लेकिन ब्रिटिश फिर भी झांसी साम्राज्य को हथियाना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी हमेशा झांसी में रखी। 1851 में महारानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ आई। महाराजा बेहद खुश हुए क्योंकि उनका उत्तराधिकारी उन्हें प्राप्त हो गया था। अब झांसी साम्राज्य को उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन राजा की इस खुशी को नजर लग गई और केवल 4 महीने के बाद ही इस बालक की मृत्यु हो गई। राजा और रानी बेहद दुखी हुए। पूरे साम्राज्य में दुख के बादल छा गए। पुत्र की मृत्यु का महाराजा पर गहरा असर हुआ। वे सदमे में चले गए और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रूल के कारण झांसी के राजा बहुत चिंतित थे। उन पर कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था और फिर नवरात्रि के समय वह माता की पूजन करते वक्त अचानक से बहुत अधिक बीमार हो गए और दशहरे के दिन ये पता चला कि राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। दूर दूर से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन महाराजा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और इन्होंने अंग्रेजी उपचार के लिए साफ इनकार कर दिया। आखिर में 20 नवंबर 1853 को इनकी मृत्यु हो गई। महाराजा गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही साहसी महिला थी। केवल 18 साल की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई को शासन सौंपा गया। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने बड़ी ही समझदारी से झांसी साम्राज्य का शासन संभाला। इन्हें बचपन से ही एक पुत्र की तरह परवरिश दी गई।
इन्हें घर में ही पढ़ाया गया, जिसमें इन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी का हुनर तात्या तोपे और नाना साहिब के साथ सिखाया गया। झांसी साम्राज्य का कोई उत्तर अधिकारी नहीं होने के कारण ब्रिटिश झांसी साम्राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झांसी की रक्षा करते करते 1857 की क्रांति के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी और स्वयं को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गंगाधर राव कला संस्कृति के प्रेमी थे। ये अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर मानते थे। इन्होंने झांसी में हर प्रकार का विकास किया। झांसी की हालत पहले से बहुत हद तक सुधर गई। इनके शासनकाल में झांसी एक विकसित साम्राज्य बन गया था। इन्होंने संस्कृत पांडुलिपियों की कई अच्छी पुस्तकालय का संग्रह किया और झांसी शहर की वस्तुकला का विकास किया और इसे समृद्ध बनाया। इन्होंने अपने अंतिम समय में भी साम्राज्य के लिए योजना बनाई। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इन्होंने ब्रिटिश सरकार को खत लिखा और उत्तराधिकारी गोद लेने की बात रखी और बालक बड़े होने तक अपनी पत्नी को साम्राज्य संभालने देने की अनुमति मांगी और पत्नी और बच्चे की सुरक्षा का आश्वासन भी मांगा और झांसी राज्य के साथ दयालुता से व्यवहार किए जाने की याचना की। राजा गंगाधर राव के समर्पण और सेवा की याद में महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराजा के सम्मान में एक छतरी का निर्माण किया। ये छतरी को गंगाधर राव की वीरता का प्रतीक और उनके नाम से जानी जाती है। ये बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि टूरिस्ट को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ये छतरी महाराजा की गौरव गाथा का प्रतीक है। गंगाधर राव ने झांसी की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। ये एक न्यायप्रिय, प्रजाप्रिय, स्वाभिमानी राजा थे। इनके स्वाभिमान की कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इन्होंने बहुत सूझबूझ से शासन किया और झांसी को उन्नति की ओर अग्रसर किया। इनकी वीरता की कहानी सालों से सुनाई जा रही है। हमें गर्व है भारत की भूमि पर ऐसे महान राजा ने जन्म लिया, अपना जीवन अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया। दोस्तों, अगर आपके बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानना चाहते हैं जो न कभी किसी ने सुने हो ना पढ़े हो, तो आप हमारे आर्टिकल पर विजिट कर सकते हैं। आर्टिकल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।